बिलासपुर के एसडीएम सदर रामेश्वर शर्मा ने जवाहर नवोदय स्कूल कोठीपुरा में क्वारंटाइन में रखे सैकड़ों लोगों से मिलने वाली हर व्यवस्था जांची। एसडीएम रामेश्वर शर्मा ने बताया कि संबंधित क्षेत्र का दौरा कर यहां पर रखे लोगों से बातचीत भी की गई। उन्होंने बताया कि यहां पर लोगों को हर सुविधा एक छत के नीचे दी जा रही है। यहां पर लोगों को क्वारंटाइन के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करवाना शुरू कर दी गई है, जिसमें सुबह और शाम इन लोगों को पीटी और योगा भी करवाने का प्लान तैयार किया गया है। एसडीएम ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और यहाँ पर इनके रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था समय अनुसार की गई है। उन्होंने बताया कि इन लोगों को साधारण जीवन की सारी जरूरतमंद चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि यहाँ पर क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को किसी भी तरह का कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि यहाँ हर रोज लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है, जिसमें दिन में 3 टाइम स्वास्थ्य टीम यहाँ आकर स्वास्थ्य की जांच कर रही है, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का लक्षण या फिर बीमार ना हो। उन्होंने बताया कि अभी तक जिला में स्थिति सामान्य है और जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन पर रखे लोगों को हर सुविधा दी जा रही है। जितने भी लोग आ रहे हैं हिमाचल में, इनकी संख्या बड़ी कम है, लेकिन इनको अलग से रिलीफ कैंप्स में रखा गया है। इनकी रहने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। इनको सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर लंच, शाम को डिनर समय अनुसार करवाया जा रहा है। और पूरी व्यवस्थाएं, जो भी एक व्यक्ति को साधारण जीवन में जीने के लिए ज़रूरी है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएँ कर दी गई हैं। और अब जो भी इसमें आ रहे हैं लोग, इन कैंप्स में रख रहे हैं। रोजाना 2-3 लोग आते हैं, उनको सब यहाँ पे रिहैबिलिटेट किया जाता है। अच्छा सर, ये जैसे कि कपड़ों की डिमांड की जा रही है, तो उसको किस तरह से पूरा किया जा रहा है? ये जो पर्सनल वियरिंग्स हैं, ये तो इनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैंने ड्यूटी लगाई है कि जिसको किसी कपड़े वगैरह की ज़रूरत है हमें बता दें, तो हम उनको परचेज करके उन्हीं के कॉस्ट पे परचेज करेंगे और उनको दे देंगे, लेकिन उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।